वेलकम टू 1MG हेल्थ न्यूज। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स। इंडिया में नोवल कोरोना वायरस के 2 और केसेस कंफर्म हो चुके हैं। ये दोनों ही पेशेंट्स रिसेंटली चाइना गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार ये दोनों ही पेशेंट्स अभी स्टेबल हैं। इन्हें हॉस्पिटल्स में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिवाइज्ड ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत चाइना की सारी वीजा फैसिलिटीज को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ जिन लोगों ने 15 जनवरी 2020 के बाद चाइना विजिट किया है, उन्हें थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आइसोलेशन में रखा जा सकता है। चाइना में सिर्फ 10 दिन में एक नया 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया। यह हॉस्पिटल केवल कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए बनाया गया है और अब इसमें इलाज भी शुरू हो चुका है। चाइना में अब तक नोवल कोरोना वायरस के 14,000 से ज्यादा केसेस कंफर्म हो चुके हैं और तकरीबन 304 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात की जाए दुनिया भर के आंकड़ों की, तो अब तक 23 देशों में 146 केसेस कंफर्म हो चुके हैं और चाइना के बाहर पहली मृत्यु फिलीपींस के एक नागरिक की हुई है। इन्हीं चाइना के बाहर बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए WHO के हेड डॉक्टर टेड रॉस ने नोवल कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। ऐसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज पहले भी 5 बार घोषित हो चुकी है, जैसे 2009 में H1N1, 2014 में पोलियो, 2016 में जीका और 2014 और 2019 में इबोला। थाईलैंड के कुछ डॉक्टर्स ने नोवल कोरोना वायरस के पेशेंट्स को फ्लू और HIV की दवाइयां कंबाइन करके दी थी। इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन से 48 घंटे के अंदर कई सीवियर केसेस में इम्प्रूवमेंट देखी गई। डॉक्टर्स का कहना है कि यह इलाज नहीं है, पर इस कॉम्बिनेशन से कई पेशेंट्स की कंडीशन में काफी सुधार पाया गया है। मध्य प्रदेश में चाइना से लौटे 2 स्टूडेंट्स हॉस्पिटल से फरार हैं। इन स्टूडेंट्स को जबलपुर और भोपाल के हॉस्पिटल्स के अलग यूनिट में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। इनके सैंपल्स कलेक्ट होने के पहले ही दोनों स्टूडेंट्स हॉस्पिटल से लापता हो गए। इसी के चलते हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स में अफरा तफरी मच गई। इन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए 1MG हेल्थ न्यूज के साथ।